हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर हाजिर है आपकी अपनी नशीली कंगना आपके सवालों का जवाब लेकर। आपके सवाल चाहे जितने भी टेढ़े हो, लेकिन उनका जवाब आपको मिलेगा सीधा, एकदम जलेबी की तरह। जलेबी ओह माय गॉड, लगता है मेरी थोड़ी उतर गई है, थोड़ा चकना हो जाए। यस कंगना स्पीकिंग। हेलो कंगना जी, मैं बबलू सुहागराती बोल रहा हूँ। मैं जिस हीरोइन को टीवी पे देखता हूँ, रात को मेरे सपनों की सुहागरात में आ जाती है। इसी वजह से सुहागरात हो जाती है और मैं दिन ब दिन वीक होता जा रहा हूँ। देखो सुहागराती, व्हाटएवर, अगर तुम रोज रोज सुहागरात के सपने देखोगे तो तुम एक दिन इस दुनिया से उठ जाओगे, इतनी वीकनेस आ जाएगी तुमको। मेरी मानो तो तुम अगले हफ्ते से पुनीत, असर और खली की फिल्में देखना शुरू करो। फिर वो तुम्हारे सपनों के ख्यालों में ऐसे आएंगे, ऐसे आएंगे कि तुम सब कुछ भूल के सिर्फ और सिर्फ आस्था चैनल देखोगे और किसी चैनल पे भटकोगे भी नहीं। ओके, सो फॉरगेट एवरीथिंग एंड से चीयर्स। बको कंगना जी, मैं लुंगी लाल बोल रहा हूँ। मैं लुंगी पहन के जब सीढ़ी पे चढ़ता हूँ तो लोगों को सांप दिखता है, ऐसा क्यों? लिसन यू लूड, देखो मेरा दिल कह रहा है कि तुम्हारे नाम की मात्राएं थोड़ी आगे पीछे कर दूं, क्योंकि एक्चुअली प्रॉब्लम तुम्हारे नाम में है। तुम नाम दूर रखोगे तो लोगों को साफ सीढ़ी ही दिखेगा ना। मेरी मानो तो अपना नाम चेंज करके कैरम बोर्ड रख लो, तो फिर लोगों को सिर्फ गोटियां नजर आएंगी। डोंट वरी, से चेयर्स विद कंगना, एंजॉय एवरीबॉडी। यस हेलो कंगना जी, मैं शीला बोल रही हूँ टर्की से। आजकल पता नहीं मुझे क्या हो गया है, माचिस की तीली देखती हूँ तो भी दिमाग में गंदे गंदे ख्याल आते हैं, ऐसा क्यों? लिसन यू शीला टर्की, तुम अपने मुंह में पेट्रोल भर के माचिस की तीली देखा करो, फिर तुम्हें कोई गंदे ख्याल नहीं आएंगे, सिर्फ धार्मिक ख्याल आएंगे, धार्मिक। ओके से चीयर्स। यस कंगना जी, जब से मुझे प्यार में धोखा मिला है, ऐसा जी करता है कि ट्रेन के आगे जान दे दूं, पटरी देखकर मेरा प्रेशर बन जाता है और फिर मैं हल्का होकर वापस आ जाता हूं, ट्रेन निकल जाती है, खुदकुशी भी नहीं हो पाती, बताइए मैं क्या करूं? लिसन, तुम अगर हल्के होने के लिए ट्रेन की पटरी के सामने बैठोगे तो तुम्हारा पिछवाड़ा ट्रेन के आगे आ जाएगा। लोग अपने हाथ से अपना पिछवाड़ा धोते हैं, तुम अपने पिछवाड़े से अपना हाथ धो बैठोगे। इसलिए डोंट यूज योर ब्रेन, जस्ट एंजॉय एंड से चीयर्स विद बकरी की हड्डी, व्हाटएवर। यस हेलो कंगना जी, मैं सरिता बोल रही हूँ। मेरा बॉयफ्रेंड तो बातें बहुत करता है, पर जब प्यार करने का नंबर आता है तो बोलता है मैं दबंग हूँ, मुझे थप्पड़ से नहीं प्यार से डर लगता है, ऐसा क्यों? What the fuck, your boyfriend is बात से नहीं दोगे जैसे जानोगे। लिसन, तुम्हारा बॉयफ्रेंड किसी काम का नहीं है, वो कोई दबंग वबंग नहीं है, वो अपंग है। अपंग ऐसे बॉयफ्रेंड होते हैं जिनको गली के बच्चे देखकर बिगाते हैं, गुड गुड अपंग 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 अपंग, यू नो। मेरी मानो तो तुम अपने बॉयफ्रेंड से पीछा छुड़ा लो, क्योंकि अगर तुमने उससे शादी कर ली तो सुहागरात की पहली रात वो एक उंगली दिखा कर बोलेगा तक्तिमान 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 तक्ती 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 तक्ती, ओह माय गॉड, और ज्यादा फोर्स करेगी तो तक्ती भी कर देगा। इसलिए डोंट वरी, यूज योर ब्रेन एंड से चीयर्स। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ पर क्लिक कीजिए। आप मेरे वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं, और अगर आपका है कोई भी सवाल तो आप कमेंट बॉक्स पर लिख भी सकते हैं। अगली बार मैं आपके सवालों का जवाब लेकर ज़रूर हाजिर होगी। टिल देन से चीयर्स।